वेलकम दीदी। हाँ मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारा जैसे कि आज जनरेशन अपडेट हो रही है, कितनी सारी क्लासेस हम अपडेट होते जा रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, तो पढ़ाई का प्रेशर उसके साथ ही साथ बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए, उस प्रेशर को कम करने के लिए, अपने माइंड को फ्री करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ देखो, जिससे तुम्हें प्रेशर हो रहा है वो तो शरीर है। शरीर की रख रखाव, शरीर की एनाटॉमी, शरीर की बायोलॉजी, इसके बारे में कुछ समझदारी से अगर हम चलते हैं कि हमारा जो ये हाजमा है किन चीज़ों के ऊपर वर्क करता है, थोड़ा सा इसको साइंटिफिकली समझकर अगर हम अपने खान पान को डाइट रिफॉर्म करके चलेंगे तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हमें महसूस भी नहीं होगा, है ना। स्ट्रेस को हम फील नहीं कर पाएंगे करेंगे तो। हालांकि बच्चे क्या करते हैं, वो ज़्यादातर पैकेट बंद चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं। ऐसी चीज़ों को जब हम खाते हैं तो एक तरफ से हमारे अंदर ताकत, खून में सफाई नहीं बनती और नर्व की ताकत भी घटती है। तो वो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हमें फोकस नहीं करना है कि कम करने के लिए, हमें क्या करना है इस पे फोकस करना है। हम अपना डाइट रिफॉर्म कर लें, फ्रूट्स वगैरह लें, जूसेस वगैरह लें, हैं बीच बीच में आराम करें। अगर हमें कंप्यूटर वर्क करना पड़ता है तो हम थोड़ा सा एक कपड़ा रुमाल जैसा ऐसे लेकर गीला करके थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए अपनी ऐसे पट्टी को आँखों पर ऐसे रख लें थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल नर्व को, ब्लड को, सबको रिलैक्स हो जाएगा। छोटी छोटी सी टिप्स को अपनाकर हम अपनी बड़ी बड़ी सारी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। थैंक यू दीदी, बहुत ही